देखिए, अगर आपको लगातार बार बार खूंखार छींक आ रही है, बहुत ज्यादा खूंखार छींके आ रही है, आती जा रही है, तो जी हाँ, ये एक तरीके से हार्मफुल हो सकती है। रीजन, जब भी आप बहुत ज्यादा जोर से छींकते हो तो एक तरीके की खांसी हो गई। जब भी आप खांसते हो तो भी, तो होता क्या है, आपके लंग्स में, आपके एब्डोमेन में बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है, इंट्रा एब्डोमिनल और इंट्रा थोरेसिक। इतना ज्यादा प्रेशर, अगर बार बार छींक आ रही है, तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। जैसे कि नंबर वन, अगर कोई, कभी कभी किसी को देखा होगा, बहुत जोर से छींका तो एकदम खांस, नाक से खून निकलने लग गया, ब्लीडिंग थ्रू द नोज, बिकॉज वो छींकने से एकदम से कोई खून की नस फट सकती है, एकदम से कोई वहां पर जो नेजल म्यूकोसा है वो फ्लिक खोस के ना टूट सकता है, एक बार एकदम से हार्ट बीट कम हो सकती है, चक्कर आ सकता है, खांसने से, खासकर ऐसा हो सकता है, एकदम से बहुत ज्यादा खांसने से कफ, वेसोवेगल वेगल अटैक होता है, वेसोवेगल टाइप्स ऑफ कफ सिंकोप कहते हैं इसको। वैसे स्नीजिंग का, बहुत ज्यादा लगातार स्नीजिंग होती है, स्नीजिंग से भी ये हो सकता है। सो यस, स्नीजिंग इज हार्मफुल। सो अगर आपको लगातार स्नीजिंग हो रही है, तो स्नीजिंग के बारे में हमने जो अपने वीडियो इसमें बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले, उसको आप जाके देखें और उसको समझो कि स्नीजिंग क्यों हो सकती है, क्या हो सकती है, और उसका इवैल्यूएशन कराइए। आप जाइए ईएनटी डॉक्टर के पास, ईएनटी स्पेशलिस्ट, वो आपको बताएंगे कि स्नीजिंग होती क्या है, कैसे होती है और आपको क्यों हो रहा है। राइट, आपके केस में इन्फेक्शन है, एलर्जी है, व्हाट इज द एलर्जी, एलर्जी प्रोफाइल कराओ, ठीक करो, एलर्जी शॉट लो, ठीक करो, या उस चीज से बचो, एंटी एलर्जिक मेडिसिन, एंटी हिस्टामिन ले सकते हो रात को सोने से पहले। राइडो।